आज महाशिवरात्रि है तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि। और सुबह के 6 बजे भोलेनाथ के दर्शन के लिए उनके मंदिर चला जाऊंगा, रात में यही सोचकर सोया था। लेकिन इतना लेट हो जाने के बाद भी जल्दी से अपने आप को धुलकर भगवान जी को सबसे पहले धूप अर्पित करता हूँ। और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन मांगी गई मनोकामना को भगवान जरूर पूरा करते हैं। तो जल अर्पित करने के बाद मैंने भगवान से क्या विश मांगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और टाइम ज्यादा ना होने के कारण मैं अपने लिए खाना तो नहीं बना पाता हूँ, इसीलिए फ्रूट्स को पैक करके पहुँच जाता हूँ थिएटर। तो सामने बैठे सभी अतरंगी लोगों से हाथ मिलाप करने के बाद लग जाते हैं अपने अपने काम पर। और काम के ही बीच में अपने पेट का भरण पोषण करता हूँ और वर्कशॉप खत्म हो जाने के बाद आ जाता हूँ रूम पर। और अपने आप को 1 घंटे का विश्राम देने के बाद खाना बनाते टाइम सोचता हूँ कि आज लोग पूरी हलवा खीर पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे। और आज इधर हम बिना सीटी वाले कुकर के साथ खिचड़ी बनाने में लगे हुए हैं, अब तो भगवान ही जाने हमारी खिचड़ी कैसी बनेगी। और भगवान से मैंने ये विश मांगी थी कि मेरे अंदर से आलस नाम का कीड़ा बाहर निकल जाए। बाकी आपने क्या विश मांगी कमेंट में जरूर बताना।